गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज मैं क्लास फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 2 माय हैप्पी फैमिली के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माय हैप्पी फैमिली, मेरा खुशहाल परिवार। तो जब आप ये पढ़ोगे आपको स्टोरी पता चल जाएगी, लेकिन आप पहले ये देख लो, ये फर्स्ट पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर में कौन है? फादर, मदर और 2 चिल्ड्रंस। तो ये स्मॉल फैमिली है। देखो इसमें कितने सारे मेंबर्स हैं, तो ये कौन सी फैमिली हुई? लार्ज फैमिली। इसमें स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली। और थर्ड पिक्चर्स में ये आपको सभी मेंबर्स दिख रहे हैं, 6 मेंबर्स। 6 में से ये बॉय जो है ये अपनी स्टोरी बताएगा, अपनी फैमिली के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए स्मॉल फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। ये स्मॉल फैमिली के बारे में बता रहा है कि स्मॉल फैमिली में कौन कौन होते हैं। ठीक है, एक छोटे से परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। दे लिव टुगेदर एंड केयर फॉर ईच अदर, वे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो मतलब स्मॉल फैमिली जो होती है वो अच्छी फैमिली होती है। अ लार्ज फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़िन। और एक बड़े परिवार में कौन कौन होते हैं? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे, चचेरे, भाई बहन। दे ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, और वे सभी एक ही घर में एक साथ रहते हैं। ऑल द मेम्बर इन द फैमिली हेल्प ईच अदर टू मेक अ हैप्पी फैमिली, परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को खुशहाल परिवार बनाने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में स्मॉल फैमिली के बारे में बताया गया और सेकेंड में लार्ज फैमिली के बारे में। ओके, अब मैंने आपको बताया था ये बॉय अपनी फादर, मदर, दादी, अपने ब्रदर सिस्टर्स के बारे में इस स्टोरी में बताएगा। ठीक है, माय हैप्पी फैमिली हैज़ माय दादी जी, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर एंड मी। मेरे खुशहाल परिवार में मेरी दादी जी, माता जी, पिताजी, मेरी बहन और भाई और मैं रहता हूँ। मीट माय फैमिली, और मेरे परिवार से मिलते हैं फ्रेंड्स, मीन्स दोस्तों। ये मतलब दोस्तों को बता रहा है। हेलो, नमस्ते, आई एम मोंटू, मैं मोंटू हूँ। आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, मैं 5 साल का हूँ। आई एम इन क्लास फर्स्ट, मैं कक्षा फर्स्ट में पढ़ता हूँ। दिस इज मिस्टर मनोज सिंगल। ये आपको मैन दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने क्या कहा? दिस इज मिस्टर मनोज सिंगल, यह है श्री मनोज सिंगल है। ही इज़ माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं। आई कॉल हिम पापा, और मैं इन्हें पापा कहता हूँ। ही इज़ अ पायलट, ये जहाज चालक हैं। ही फ्लाइज एरोप्लेन्स, और वह एरोप्लेन उड़ाते हैं। ही लुक्स वेरी स्मार्ट इन हिज यूनिफॉर्म, जब वो अपनी वर्दी पहनते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। ही लव्स अशोल, और वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब ये इस बॉय के मम्मा थे, पापा थे, अब ये अपनी मम्मा के बारे में बताएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। दिस इज मिसेज पारुल सिंगल, यह श्रीमती पारुल सिंगल है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। आई कॉल हर मम्मी, मैं उन्हें मम्मी कहता हूँ। सी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी वर्क्स इन अ बिग हॉस्पिटल, और वह एक बड़े अस्पताल में काम करती हैं। फिर नेक्स्ट, सी इज़ वेरी अफेक्टिव टू एवरीवन, और वह सभी से बहुत स्नेह से और प्रेम से बात करती हैं। अब इस बॉय की सिस्टर, माय सिस्टर नेम इज़ वैश्वी, उसकी बहन का नाम क्या है? वैश्वी। सी इज़ 8 ईयर्स ओल्ड, और वह 8 साल की है। सी इज़ इन क्लास 5th, वह कक्षा 5 में पढ़ती है। सी लाइक्स पेंटिंग, उसे पेंटिंग करना पसंद है। सी इज़ क्वाइट लीन एंड थिन, वह काफ़ी पतली दुबली है। सी इज़ हेल्पफुल मम्मी इन हर डोमेस्टिक वर्क, वह अब मतलब अपनी मम्मी के घरेलू काम में मदद करती है। सी लव्स डॉल, और उसे गुड़िया पसंद है। ओके, अब नेक्स्ट, ये आपको बॉय दिखाई दे रहा है, ये उस बॉय का भाई है। आई हैव वन ब्रदर ऑल्सो, मेरा एक भाई है। हिज नेम इज़ वासु, उसका नाम वासु है। ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, वह 12 साल का है। ही इज़ इन क्लास 8th, वह कक्षा 8 में है। हिज हॉबी इज़ प्लेइंग, उसे खेलना, उसका जो शौक है वो खेल है, मतलब उसको खेल बहुत पसंद है। ही इज़ क्वाइट हेल्थी, वह काफ़ी स्वस्थ है। सी हेल्प अस इन आवर स्टडीज़, और जब हम
स्टडी करते हैं तो हमारी वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इस उनकी दादी जी रह गए, उनकी दादी जी के बारे में, अवर दादी जी ऑल्सो लिव्स विद अस, हमारी दादी हमारे साथ रहती है। सी इज़ वेरी रिलीजियस माइंडेड, वह धार्मिक विचारों वाली हैं। सी लुक्स आफ्टर द किचन वर्क, वह रसोई के कामों को देखती हैं। और शी टेल्स अस स्टोरी ऑफ गॉड एंड गॉडेस, वह हमें मतलब देवी देवताओं की कहानियों को बताती हैं या सुनाती हैं। सी वॉक विद द स्टिक नाउ, और वह छड़ी लेकर चलती है। और उनके घर में एक टॉमी भी है, वो अपनी टॉमी के बारे में बता रहा है। दिस इज़ टॉमी, यह टॉमी है। इट इज़ अवर पेट, वो हमारा पालतू है। इट इज़ वेरी एक्टिव, मतलब वो बहुत सक्रिय है। इट लिव्स विद अस, वह हमारे साथ रहता है। इट लव्स प्लेइंग विद अस, हमारे साथ खेलना पसंद करता है। इट गार्ड अवर हाउस, और वह हमारे घर की रखवाली करता है। इट बार्क्स एट स्ट्रेंथ, वह अजनबियों पर भौंकता है। इट हैज़ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स फर कोट, और उसके शरीर पर, उसके फर पर काले धब्बे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है, आई लव माई फैमिली, मुझे अपने परिवार से प्यार है। वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। वी ऑल प्रे टूगेदर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आवर इज़ अ हैप्पी फैमिली, हमारा परिवार खुशहाल परिवार है। मे गॉड ब्लेस योर फैमिली, भगवान हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। तो आपको चैप्टर समझ में आया, माई हैप्पी फैमिली, मेरा खुशहाल परिवार। इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया है कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, लार्ज फैमिली क्या होती है, और मेरी फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं और वो क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, और आपको वर्कशीट इसकी 2 करनी है। वर्कशीट 2 में आपको वर्ड मीनिंग करने हैं और राइट रॉन्ग करने हैं। वर्ड मीनिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, डॉटर बेटी, सन बेटा, कजिन चचेरे भाई बहन, फैमिली मीन्स परिवार। फिर आपके इसको राइट रॉन्ग करने हैं, ठीक है, ओके।